जज साहब ये जो सामने बैठी है एनी है, मेरे बड़े भाई मरहूम की साबका मंगेतर। जज साहब इसने अपने अल्फाजों से मेरे बड़े भाई का कत्ल किया है और जज साहब मैं चाहता हूँ इसको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। ना सिर्फ ये मेरे भाई की कातिल है बल्कि ये मेरे वालिद साहब की भी कातिल। और इन्होंने जो कहानी सुनाई वो 100% गलत है। ऐसी एक दिन जज साहब जब मैं यासीन शरीफ को पानी पिला रही थी, इनकी वालदा वहाँ आ गई और मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मुझ पर जादू टोना कर रही है। जादू का पानी पिला रही है, ये सोच रखती है ये। आप उसकी रिकवरी के लिए पानी पिला रही थी और आप देख लीजिए इनका मेंटालिटी लेवल और इनको तुम देख रही हो किस तरह से ये लोग अपने ही बेटे की मौत का अदालत में तमाशा बना रहे हैं। आप इसको अपने भाई की कातिल समझते हैं। जज साहब ये मुकदमा लड़ने नहीं आए, अपने बेटे का ये फ्लैट लेने आए हैं। फ्लैट के लिए जज साहब हमें अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मेरे भाई का और इनका जो म्यूचुअल क्लासमेट था उसी के साथ उस फ्लैट में रह रही है जज साहब। अच्छा नहीं, इन्होंने कतअ ताल्लुक नहीं किया, इन्होंने सिर्फ ये बताया कि शादी करने से माजरत की। आप मिलने से कह रही है कि मैं मिलूंगी और शादी से इनकार कर रही है, ये कौन सी मोहब्बत है? नहीं देखिए ख्वाजा नवीद की अदालत हर जुमे की रात 9 बजे सिर्फ TV1 पर। आपसे रिश्ता है प्यार का।